नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बॉलीवुड का वो स्टार जिसने सिखा दिया कि अगर बॉलीवुड में कोई गॉडफादर ना हो तो भी नाम कमाया जा सकता है। बॉलीवुड का वो स्टार जिसने दुनिया को अलविदा कहा तो वो पूरे देश की आंखें नम हो गई। बॉलीवुड का वो स्टार जिसने बॉलीवुड से लेकर के राजनीति तक की नींव हिला दी। बॉलीवुड का वो स्टार जिसने बॉलीवुड के लोगों के जो असली सच्चाई है, जो बॉलीवुड की जो मैल है, जो गंदगी है, उसे सामने ला करके रख दिया और पहली बार बॉलीवुड के उन लोगों का पर्दाफाश हुआ जो बॉलीवुड में खुद को ऊंचे पदवे पर मानते हैं। बॉलीवुड का वो स्टार जिसने ना केवल बॉलीवुड में बल्कि साइंस जगत में भी काफ़ी नाम कमाया। बॉलीवुड का वो स्टार जिसने देश में जो देश का नाम है उसे रोशन किया और साथ ही पहली बार वो पहला ऐसा शख्स बना जिसने चांद पर अपनी ज़मीन खरीदी। बॉलीवुड का वो स्टार जिसके जाने से एक सनसनी फैल गई, एक सन्नाटा छा गया। बॉलीवुड का वो स्टार जिसके जाने के बाद भी आज भी उसके इंसाफ की बातें होती हैं। बॉलीवुड का वो स्टार जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। अपनी मेहनत के दम पर उस अभिनेता ने, उस स्टार ने अपना नाम न केवल कमाया बल्कि लोगों को एक बेहतरीन संदेश भी दिया। बॉलीवुड का वो स्टार जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था और आज भी बॉलीवुड के कुछ कलाकार उनके सामने नतमस्तक होते हैं। लोग उनके इंसाफ की आज भी गुहार करते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर जब भी उस स्टार की तस्वीर नज़र आ जाती है, वीडियो नज़र आ जाती है, तो फिर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। बॉलीवुड का वो स्टार जिसके जाने के बाद डिप्रेशन शब्द का मतलब पता चला, जिसके जाने के बाद टेलीविज़न से लेकर के सोशल मीडिया तक डिप्रेशन की बातें होने लगी, कैसे डिप्रेशन जानलेवा हो सकता है। बॉलीवुड का वो स्टार जिसने खुद के अपने जो पार्टनर से धोखा खाया और जिसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। हम यहाँ बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत जिसने 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज ही का वो दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की खबर सामने आती है कि सुशांत ने खुद ही अपनी जान ले ली, और ये सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध हो जाता है। ये सुनने के बाद बॉलीवुड में सनसनी मच जाती है और टेलीविज़न से लेकर के बॉलीवुड की इंडस्ट्री तक कई लोगों के नाम आते हैं और ये कहा जाता है कि ये सुशांत सिंह ने इनकी वजह से अपनी जान दी होगी। आज भी कई अवार्ड शोज़ में, कई रियलिटी शोज़ में उन्हें याद किया जाता है, उनकी सफलताओं को गाया जाता है। केवल बॉलीवुड की इंडस्ट्री तक ही उनकी सफलता सीमित नहीं थी, पढ़ने में भी सुशांत सिंह राजपूत बेहतरीन थे। और साथ ही सबसे ख़ास बात तो ये है कि सुशांत सिंह की जब शुरुआत हुई तो एकदम नीचे से, ना तो वो स्टार किड थे और ना ही उनका कोई बॉलीवुड में गॉडफादर था। लेकिन उसके बावजूद जब बॉलीवुड में आए, नाम कमाया, टेलीविज़न से शुरुआत की, तो फिर हर दिल के चहेते बन गए। इस स्टार ने बताया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नाम का शब्द भी है। नेपोटिज्म जिसकी बात आज भी होती है, वो शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत के केस से ही हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद ड्रग्स केस भी सामने आया, तो पता चला कि बॉलीवुड में तो हर कोई ड्रग्स का सेवन करता है। जहां सरकार ये कहती है कि हमने ड्रग्स पर पाबंदी लगाई हुई है, तो वहीं बॉलीवुड में लोग खुलेआम ड्रग्स का सेवन करते हैं। आज उस स्टार की कहानी, आज उस एक्टर की कहानी, आज उस शख्स की कहानी, आज उस अभिनेता की कहानी अधूरी है। अधूरी है उसका इंसाफ जो कि लोग मांग रहे हैं। आज भी फैंस सोशल मीडिया पर उसके इंसाफ के लिए तरसते हैं, जिसने दुनिया को सीख दी कैसे हुई इस शख्स की टेलीविज़न से बॉलीवुड तक की एंट्री, कैसे हुई सुशांत सिंह राजपूत की वो शुरुआत, और कैसे पटना से एक इंसान निकलता है
अपनी मंजिल की तलाश करने के लिए मुंबई में, और उसकी मंजिल मुंबई से सीधा भगवान के पास चली जाती है। आज सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेटेड इस प्रोग्राम में उनकी उस कहानी के बारे में जानेंगे, एक बार फिर से सुशांत को याद करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जन्म कब लेना है और मरना कब है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने ये डायलॉग अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में बोला था। भले ही ये सिर्फ एक लाइन हो, लेकिन सुशांत ने रियल लाइफ में कुछ ऐसी ही जिंदगी जी। पढ़ाई में अव्वल रहे, एक्टिंग में महारत हासिल की और अपने बाकी हॉबीज पर भी ध्यान दिया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने जी जान लगा दी। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण कुमार सिंह एक हैंडलूम कंपनी में काम करते थे। पटना की शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशांत अपने परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए। बाकी की पढ़ाई उन्होंने वहीं से पूरी की। फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली के कहने पर। वह कभी भी इंजीनियर बनना नहीं चाहते थे, वे हमेशा से ही एस्ट्रोनॉट या फिर एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली के सपने उनसे ये नहीं करवा पाए। सुशांत सिंह पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उन्होंने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड जीता था, जिसकी बदौलत उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद सुशांत सिंह ने मन बना लिया था कि वह अपनी किस्मत को बदलेंगे। जब सुशांत इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे, तभी कुछ बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे ताकि कुछ कमाई कर सके, ताकि अपने लिए एक बाइक खरीद सके। सुशांत सिंह राजपूत थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे और खुद का ये नेचर बदलना चाहते थे। एक बार उनके दोस्त ने उन्हें डांस क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी। दिलचस्प बात थी कि सुशांत ने डांस क्लास अपने पैशन के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों से मिलने के लिए ज्वाइन की थी। खैर, सुशांत सिंह ने श्यामक डावर की डांस एकेडमी ज्वाइन की और यहाँ से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफ़र। सुशांत सिंह राजपूत को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप का ऑफर आया था। दिल्ली में इंजीनियरिंग भी चल रही थी, लेकिन सुशांत ने दोनों को ठुकरा दिया। ना वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और ना ही इंजीनियरिंग पूरी की। फाइनल ईयर में कॉलेज छोड़ दिया और मुंबई चले आए, जहां सुशांत 6 लोगों के साथ एक ही रूम में रहा करते। उन्होंने मुंबई में अपना गुजारा बतौर एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर किया और ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन के साथ बतौर बैकग्राउंड डांसर काम भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया, थिएटर ज्वाइन किया। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई आने के बाद एक तरफ बैकग्राउंड डांसर बनकर काम किया तो दूसरी ओर सीरियल्स के लिए भी ऑडिशंस दिए। अपने छोटे पर्दे पर किस देश में है मेरा दिल के तौर पर उन्होंने बतौर सेकेंड लीड रोल में काम किया। इस दौरान एकता कपूर की नज़र उन पर पड़ी। फिर क्या, सुशांत सिंह राजपूत का सीरियल पवित्र रिश्ता का ऑफर आया और वहीं से वो अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। सुशांत मानव के किरदार में घर घर में जाने जाने लगे। सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म कायपोचर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा कि सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में राज 2 से डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। सुशांत की ब्लॉकबस्टर फिल्में एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, केदारनाथ और पीके है। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। ये फिल्म OTT पर रिलीज हुई थी। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ही अपार्टमेंट में अपनी जान ले ली। आरोप लगा रिया चक्रवर्ती पर, जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी।
इस रिपोर्ट के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। इस रिपोर्ट के बाद हर कोई एक बार फिर से सुशांत के बारे में सोच उठेगा। आज के ही दिन सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कहा और आज के ही दिन सुशांत से जुड़ी उन सभी यादों को फिर से टटोलने का समय आ चुका है। फिलहाल आप कैसे सुशांत को याद करेंगे, कौन सी रही सुशांत की सबसे फेवरेट फिल्म आपकी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी ओर से सुशांत सिंह राजपूत को एक बार फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि।